नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक एडवांस एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड है। आपके सामने जो बर्थ डिटेल्स है, इसी पर मैंने एडवांस एस्ट्रो वास्तु, साथ ही साथ जो वास्तु के रूल थे और एस्ट्रोलॉजी के रूल थे वो अप्लाई किए थे। इनको कपड़े का शोरूम खोलना था, रेडीमेड गारमेंट्स का, और इनके पास वेस्ट फेसिंग दुकान थी, उसी में इन्हें स्टार्ट करना था। एक बात जो नॉर्मली जन लोग पूछते हैं अपने एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट से कि मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग आप बताइए कौन सा फेसिंग शॉप या मॉल्स जो भी है मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो थ्योरेटिकली ये बात हुई, आप उनकी चार्ट देखेंगे और बता देंगे, लेकिन जब क्लाइंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, उसने सीधा ये बताया कि मेरे पास ये है और इसी में आपको रिजल्ट देना है। जैसे इनका सीधा क्वेश्चन था कि मेरे पास वेस्ट फेसिंग ही दुकान है और इसी में मुझे खोलना है कपड़े का शोरूम, तो क्या आप मुझे कंसल्टेशन देंगे और क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? आइए देखते हैं मैंने क्या किया, कौन कौन से रेमेडीज की। इनकी कुंडली के अनुसार मैंने यहाँ इनकी बोला है, क्योंकि एडवांस एस्ट्रो वास्तु कस्टमाइज काम करता है। जिस पर भी, जिसकी कुंडली पर भी आप एडवांस एस्ट्रो वास्तु कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वह उनकी कुंडली के अनुसार ही होगा, क्योंकि सबकी कुंडली यूनिक होती है। दो व्यक्तियों की कुंडली मैच नहीं करती है, जुड़वा भाइयों की नहीं करती है, बाकी की बात ही हटा दें। तो इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग 12th हाउस वेस्ट को बता रहा है। इस स्थिति में बहुत से एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट उनको मना कर देंगे कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मैंने जो किया वो मैं आपको बता रहा हूं। इनके पास वेस्ट फेसिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हमने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने वास्तु के जो भी रूल्स हैं, 5 एलिमेंट और 16 जोन्स का, उसको फॉलो किया और सभी जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ सिटिंग पोजिशन से सब थे, वो सब हमने वास्तु के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप पे अरेंज कर दिया। हमारा जो सेकेंड स्टेप था, उस सेकेंड स्टेप में मैंने इनकी कुंडली के अनुसार एलिमेंट, जैसे फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो ये मुझे एयर और साथ ही साथ वाटर एलिमेंट, इसके ये जातक लगे, एयर का साथ ही साथ वाटर का। उसके बाद जब हम रजस, सतव और तमस में जब आएंगे और इनकी कुंडली का परीक्षण करेंगे तो ये सतव और तमस, ये दो प्रकृति इनकी कुंडली में आपको मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इनका सिटिंग पोजीशन साउथ में बनाया। सतव और तमस इनकी प्रकृति को देखते हुए अब यहां बात आ जाती है। मैंने कुछ देर पहले बोला आपसे कि ये, अब मैंने यहां से फायर को हटा ही देता हूं, कि एयर और वाटर के हैं और सतव और तमस के अकॉर्डिंग मैंने इनको साउथ में बिठाया। आखिर ये रीजन है क्या, कैसे ये मैंने कनेक्ट किया? क्योंकि साउथ का डायरेक्शन फायर का है। तो इस स्थिति में चूंकि जातक को कैश एंड लिक्विडिटी से डील करना था और साथ ही साथ एक्शन ओरिएंटेड बनाना था,
एक्शन ओरिएंटेड से मतलब है, चूंकि ये शॉप इनकी है, इन्हें खुद काउंटर पर बैठना है और इन्हें खुद ही डील करना है, इसलिए मैंने इनको फायर की जोन में बिठाया। दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं था। अगले स्टेप पे जब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मैंने इनकी जो दुकान का वेस्ट फेसिंग था, ये 12th हाउस को एक्टिव कर रहा था। एस्ट्रोलॉजिकली इनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की रेमेडी मैंने अप्लाई की। इनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा 12th हाउस के निगेटिव इफेक्ट खत्म हो गए, जिसके कारण इनको अब 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, इंस्टॉलमेंट का इसका रिजल्ट देता है। इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टॉलमेंट, ये ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी यदि आप करते होंगे तो आपको ये बात आसानी से पता चलेगा। अगला पॉइंट आप देखिए, इनके दशम भाव में 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि यानी कि धनु, ये अग्नि तत्व की राशि है और ये इनका कार्य क्षेत्र का भी है, इनके प्रोफेशन का भी है। अब आपके दिमाग में आ सकती है कि कपड़े का बिजनेस है तो व्यापार 7th हाउस से भी है, आपने 10th को क्यों कनेक्ट किया? 10th में व्यापार और जॉब या सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क, आपका किसी भी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशन इसमें आ जाते हैं। जो लोग कपड़े के काम करते हैं, बाकी कामों में भी, बाकी प्रोफेशन में भी ऐसा होता होगा, लेकिन इनमें कुछ जो इनका अपना दुकान के लिए माल आता है उसके लिए तो इन्हें पैसे लगाने होते हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनियां भी आती हैं जो इन्हें कमीशन पे माल देती हैं। यानी पहले उसने सामान दे दिया, उसका सामान आप बेचें और जो आपका परसेंटेज होगा उसे रख के बाकी पैसा उसको आप दे दें। तो इसके लिए मैंने सिर्फ फोकस 10th हाउस पे किया, बाकी पे नहीं किया। तो 10th हाउस में जब आप देखेंगे तो फायर का जोन है, इसलिए फायर के अनुसार ही मैंने इनका प्लेसमेंट साउथ में करवाया, क्योंकि साउथ फायर का जोन है। तो जो रजस, सतव और तमस है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने ध्यान रखा, जो एलिमेंट है वाटर एयर फायर उसके अकॉर्डिंग भी मैंने ध्यान रखा, साथ ही साथ हमें इनकी कुंडली की किस भाव के रिजल्ट लेने हैं उसका भी ध्यान रखा। दूसरी बात, ये इतना करने के बाद इनर्जी का इवैल्यूएशन मैंने किया। डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट से इनर्जी इवैल्यूएशन की जाती है और इनर्जी इवैल्यूएशन में इनकी दुकान की इनर्जी परफेक्ट मिली, इसलिए मैंने 45 इनर्जी फील्ड एक्टिवेशन नहीं किया। सिंपली बहुत से लोग 45 इनर्जी फील्ड एक्टिवेशन कहीं भी कभी भी करने लगते हैं, जबकि हमें स्टेप्स को समझना है कब करें और कैसे करें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 45 इनर्जी फील्ड या कोई भी रेमेडी हम क्यों करें और कब करें। यहाँ हीट पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। बेसिकली बहुत से लोग सिर्फ एस्ट्रो वास्तु का मतलब हीट ही समझते हैं। अरे हीट जब प्लेनेट दशा अंतरदशा उसके ऑब्जेक्ट आएगा तो एक्टिव होगा, बाकी जो ये डिजाइनिंग है ये प्लेसमेंट है। सिर्फ हीट ही एस्ट्रो वास्तु नहीं है, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफी विशाल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही धैर्य के साथ आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। और भी काफी सारे पॉइंट्स आप इसमें देखेंगे तो मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि यदि आप एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो आप क्लाइंट का नेचर, उसकी प्रकृति, राशियों का नेचर, साथ ही रजस, सतव, तमस, ये
इन सब का ध्यान रखें, किस भाव के रिजल्ट लेने हैं, कैसे एनर्जी ट्रांसफर करने हैं, इन सब पे आप फोकस करें, फिर आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगी। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।